Hello friends, in today's video we gonna discuss about the next topic, that is the Schrödinger wave equation. ठीक है गाइस, तो Schrödinger wave equation का जो नेम है वो कैसे पड़ा? Schrödinger नाम का एक साइंटिस्ट था, दैट इज अरविन Schrödinger. ठीक है गाइस, तो वेव इक्वेशन थी तो उसने जो इलेक्ट्रॉन का हमने ड्यूअल करेक्टर पढ़ा था, ठीक है गाइस, डी ब्रोगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो जो ड्यूअल बिहेवियर था इलेक्ट्रॉन का उसमें से हमने जहाँ कंसीडर करना है इलेक्ट्रॉन का वेव करेक्टर. ठीक है, वेव नेचर को हमने कंसीडर करना है इस इक्वेशन में. तो अरविन Schrödinger डिस्क्राइब्ड द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बाय ए मैथमेटिकल इक्वेशन नोन एज Schrödinger वेव इक्वेशन. तो Schrödinger ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को एटम में डिस्क्राइब किया था, ठीक है गाइस, बाय ए मैथमेटिकल इक्वेशन. ठीक है, तो उस इक्वेशन को हम Schrödinger वेव इक्वेशन बोलते हैं. तो आइडिया ऑफ डी ब्रोगली इज यूज्ड, तो डी ब्रोगली का आइडिया हमने यहाँ यूज़ किया है. तो क्या आइडिया था वो, कि हमने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर यहाँ पे कंसीडर किया है. ठीक है गाइज, तो डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वेव. तो इलेक्ट्रॉन वेव को हमने कंसीडर किया है अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. वी कैन नॉट डिटरमिन द एग्जैक्ट पोजीशन और पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. तो इसने ये भी कंसीडर किया था कि उसकी पोजीशन और पाथ को हम कंसीडर नहीं कर सकते. ठीक है गाइज, तो ये वाला कंसेप्ट जो अप्लाई होता है सिमिलरली इसमें Schrödinger वेव इक्वेशन में, कि हम उसकी पाथ और पोजीशन को एक्यूरेटली, ठीक है गाइज, डिटरमिन नहीं कर सकते. तो इसमें भी वो अप्लाई होगा, जो Heisenberg का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था. तो क्या कर सकते हैं इस इक्वेशन में हम, और तो एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं गाइज. ठीक है, तो वी कैन कैलकुलेट इट्स एनर्जी, किसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी. ठीक है गाइज, जब वो उसकी वेव नेचर में होगा तो उसकी हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है गाइज, ये तो आपके पास थी डिस्क्रिप्शन. तो इसका नाम इक्वेशन का ऐसे पड़ा, Schrödinger ने इसे दिया, तो वेव इक्वेशन, इसमें हम इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है गाइज, तो दस द Schrödinger वेव इक्वेशन फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं मूविंग इन थ्री डायमेंशन इन स्पेस. तो थ्री डायमेंशन इन स्पेस में, ठीक है गाइज, मूव कर रहा है वो, कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट है, जे वाला वाई कोऑर्डिनेट है और जे वाला जेड कोऑर्डिनेट है. तो इसे हम स्पेस कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन दिस स्पेस इन थ्री डायमेंशंस. तो उसकी हमने जो इक्वेशन है वो क्या है, जे दैट इज द कर्ली, ठीक है, कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर वाई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर, दैट इज द पार्शियल डिफरेंशियल. ठीक है, दैट इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो जो कर्ली होता है उसे हम पार्शियल डिफरेंशियल बोलते हैं, दैट इज कर्ली. ठीक है, इस अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट, ठीक है, हमने जो कंसीडर किया है, प्लस एट पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू जीरो. तो जे वाली इक्वेशन हमारे पास फाइनल इक्वेशन थी. ठीक है, तो हमें इसे प्रूव करना है इक्वेशन को. ठीक है गाइस, दे तो हमने कैलकुलेट की गई है. ठीक है, तो इसे नेक्स्ट वीडियो में हम, सॉरी, इसी वीडियो में हम कंसीडर करते हैं, क्या गाइस, कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन को, ट्राई करेंगे, वेयर एक्स वाई एंड जेड आर द स्पेस कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, तो इस इक्वेशन में जो एम है, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इस जो है 9.1 होता है. ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 10^-31 किलोग्राम होता है. ठीक है, तो ए इज द टोटल एनर्जी, ए इज द टोटल एनर्जी, वी इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो वी इसमें पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक है, जो साई एच जो है गाइस, जो एच है इसमें, दैट इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. ठीक है, जो साई है इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव. जो हमने इलेक्ट्रॉन वेव का, जो इलेक्ट्रॉन का वेव करेक्टर कंसिडर किया गया है उसमें जो एम्पलीट्यूड है जे वाला गाइस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साई, दैट इज नोन एज वेव फंक्शन. साई को और क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन बोलते हैं. ठीक है गाइस, वेव फंक्शन, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स और वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड. जो साई होता है, एक्स वाई जेड का क्या होता है, फंक्शन होता है, एंड जनरली एक्सप्रेस्ड बाय दिस इक्वेशन. ठीक है गाइस, तो साई इज एक्स वाई एंड जेड. तो सिंपली हमें रेफर करना हो तो कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली, दैट इज नोन एज सेकेंड डेरिवेटिव. ठीक है, स्क्वायर तो है तो सेकेंड डेरिवेटिव है along y-axis, ठीक है, along z-axis. तो जे वाली इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लिया,
तो अबव इक्वेशन आल्सो बी रिटन एज, ठीक है गाइस। तो जे वाली इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जे वाली जो तीनों टर्म है, ठीक है गाइस, इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय डेल स्क्वायर साई प्लस एट पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू जीरो। तो बाकी की जो एज इट इज रहेगी, ठीक है गाइस, वेयर डेल स्क्वायर साई इज, तो हमने इसे जे वाई से रिप्लेस कर दिया, दैट इज दिस वैल्यू, ठीक है, डेल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर होता है हमारे पास क्या, तो इस इक्वेशन को हम सेकेंड कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है गाइस। डेल स्क्वायर इज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर नोन एज लैप्लेसियन ऑपरेटर, दैट इज द लैप्लेसियन ऑपरेटर, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन इज द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसको हमारे पास कर ली है, हमारे पास सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है, करली स्क्वायर साई अपॉन करली एक्स स्क्वायर ऐसे करके है, ठीक है गाइस। तो हम इसकी फिर जो थ्रेटिकल कंसेप्ट है उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। जो फॉर्मूलेशन है, इन्होंने ये कंसिडर किया है कि जो हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वह किसी एटम का सराउंडेड बाई वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन वेव्स, दैट इज सिमिलर टू स्टैंडिंग वेव। जैसे एक पॉइंट से हम फिक्स कर लें, जैसे हम स्ट्रिंग ले लें, ठीक है गाइस, कोई भी स्ट्रिंग है हमारे पास, उसको दोनों साइड से फिक्स कर लें, एक ए पॉइंट से दूसरा बी पॉइंट से, तो इसका जो मोशन है वो फिक्स्ड है। तो स्टैंडिंग वेव बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स ए एंड बी सिमिलर टू न्यूक्लियस ऑफ एन एटम जो कि सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन वेव्स, दैट इज स्टैंडिंग इन नेचर, ठीक है गाइस। तो मुझे एक्सप्लेन करना चाहता है थ्योरेटिकल कंसेप्ट में। तो जनरल इक्वेशन फॉर सच ए वेव इक्वेशन इज रिटन एज, तो ऐसे वाली वेव के लिए जो स्टैंडिंग वेव है उसके लिए हम साई जो होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू अनदर इक्वेशन है, ठीक है। तो इसे हम थर्ड इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, ए साइन टू पाई एक्स अपॉन लैम्डा, वेयर ए इज द कॉन्स्टेंट, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन। तो ऐसे इस ओरिजन से हम डिस्टेंस अलॉन्ग द स्पेस कोऑर्डिनेट इन वन डायरेक्शन ओनली, लाइक एक्स डायरेक्शन और वाई और जेड। तो एक्स के स्पेसिफिक, वाई के स्पेसिफिक और जेड के स्पेसिफिक, ठीक है गाइस। तो लैम्डा इज द वेव लेंथ, तो साई इज द एम्पलीट्यूड फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है गाइस, फ्रॉम ओरिजन। तो जे वाली इक्वेशन को ऑन डबल डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमने एक्स के अलॉन्ग डिटर्मिन करना है ना गाइस, तो एक ही डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो वी गेट डी साई, तो डिफ्रेंशिएट करना है डी साई इस वाली इक्वेशन को, डी साई अपॉन अलॉन्ग विद डी एक्स, ठीक है गाइस, अलॉन्ग विद डी एक्स, ठीक है। तो ए एज इट इज रहेगा, तो पहले क्या करेंगे हम, एक्स के साथ हमने डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, ए इज ए इंटू टू पाई अपॉन लैम्डा, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो कॉस, तो टू पाई एक्स अपॉन लैम्डा वो एज इट इज रहेगा, ठीक है गाइस, क्लियर है गाइस। देन द इक्वेशन इज कम्स, जो जहाँ डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे ना गाइस हमसे, तो डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इस वाली इक्वेशन को, ठीक है गाइस, ये वाली इक्वेशन को हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अलॉन्ग दी एक्स एक्स इज इक्वल टू ए टू पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है गाइस। तो टू पाई अपॉन लैम्डा एज इट इज रहेगा, डबल करना है तो एक बार और टू पाई अपॉन लैम्डा, तो जो कॉस का डबल डेरिवेटिव होता है कॉस टू एक्स, ठीक है गाइस, कॉस स्क्वायर जो होता है वो माइनस वन की वैल्यू होती है, ठीक है, तो माइनस साइन आ जाएगा कॉस का, तो साइन टू पाई एक्स अपॉन लैम्डा जो है वो उसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो कॉस की हमें माइनस साइन आ जाएगा इस इक्वेशन से। देन डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 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 या फोर, फोर पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर ए साइन, तो ए इसके साथ मल्टीपाई अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो साइन जो माइनस का साइन है वो आगे आ जाएगा, ए साइन टू पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ठीक है गाइस। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए साइन टू पाई एक्स लैम्डा इज इक्वल टू साई, जो ए साइन, ठीक है, हमारे पास क्या था, ए साइन टू पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, साई है। तो हमने नेक्स्ट स्टार्टिंग में कंसीडर किया था जे इस वाली इक्वेशन में, ए साइन टू पाई एक्स अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू साई, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन दिस इक्वेशन, जे वाली इक्वेशन में हमने पुट करनी है, जे वाली फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है, इन दिस इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन, तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, तो जे वाली होल वैल्यू इज इक्वल टू हमारे पास साई के इज इक्वल टू आ जाएगी। देन अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन हमारे पास क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम न्यू, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन द अबव इक्वेशन, ठीक है गाइस, जो लैम्डा है, ठीक है गाइस, जिसको हम फिफ्थ इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, तो जो लैम्डा की वैल्यू है जे वाली, ठीक है गाइस, तो हमें इसे सिक्स्थ इक्वेशन में कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस वाली जो लैम्डा की वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट करने से डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर पाई स्क्वायर
ठीक है, तो स्क्वेयर में है गाइस, तो जे भी स्क्वेयर में हो जाएगा, एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर एच स्क्वेयर, एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर इंटू साइन। तो जे वाली इक्वेशन हमारे पास सेवन्थ इक्वेशन बनेगी। देन हमने कंसिडर करना है कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल। तो जब इलेक्ट्रॉन का हम पार्टिकल बिहेवियर का कंसिडर करेंगे, जहाँ तक तो हमने वेव नेचर के साथ कंसिडर कर लिया। जब सेकेंडली हम इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल करेक्टर जो बिहेव कर कंसिडर करते हैं, सॉरी द टोटल एनर्जी। तो एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है, कनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है गाइस, कनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो कनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, 1/2 mv². तो जब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो mv² इज इक्वल टू 2e, इधर आ जाएगा e माइनस वी हो गया। ठीक है गाइस, तो ये है ना गाइस, देन v² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2e माइनस वी अपॉन एम। देन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v² इनटू द इक्वेशन। तो जे वाली हम 8th इक्वेशन को कंसिडर कर लेते हैं। जो 7th में हमारे पास इक्वेशन थी, 7th इक्वेशन की, उसमें हमने जे वाली वैल्यू पुट कर देनी है v² की जगह। ठीक है गाइस, पुट करने से क्या होगा, v² तो पुट करने से जे वाली हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। ठीक है साई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एच पाई स्क्वेयर एम, इस एम के साथ जे वाली एम कैंसर, ई माइनस वी साई, देन डी स्क्वेयर साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, प्लस जो इधर आ जाएगा माइनस का साइन इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस एच पाई स्क्वेयर एम अपॉन एच स्क्वेयर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो दैट इज दी सुरेंजर वेव इक्वेशन। दिस इज नोन एज सुरेंजर वेव इक्वेशन इन वन डायरेक्शन वेव मोशन। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन भी है ना वेव मोशन जे वाला हमारे पास, तो एक्स डायरेक्शन में हमें इसने कंसिडर किया है। तो जब तीनों डायरेक्शन में करेंगे वाई और जेड के अलोंग भी, ठीक है गाइस, तो इसको हम ऐसे राइट करते हैं। ठीक है गाइस, वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो ओवरऑल जब हमने लिखनी हो इक्वेशन, ओवरऑल इक्वेशन जो हम लिखते हैं वो कैसी है, जो हमने स्टार्टिंग में कंसिडर की थी। ठीक है, डी स्क्वेयर साई अपॉन जी एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर साई अपॉन जी वाई स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर साई अपॉन डी जेड स्क्वेयर, देन बाकी की थिंग्स एज इट इज, एट पाई स्क्वेयर एम अपॉन एच स्क्वेयर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। दैट इज द ओवरऑल सुरेंजर वेव इक्वेशन। ठीक है गाइस, तो जी थी हमारे पास सुरेंजर वेव इक्वेशन। तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। ठीक है गाइस, तो आपको किस सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए। ठीक है गाइस, और फर्स्ट ईयर के लिए चाहिए, सेकंड के लिए चाहिए, और थर्ड के लिए चाहिए। ठीक है गाइस, तो आई विल अपलोड वीडियोज़ ऑन योर डिमांड। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच।